भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी। दोनों देशों के बीच ऑस्ट्रेलिया में 36 साल बाद 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी। दरअसल यह सीरीज दोनों ही देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए इस सीरीज पर कब्जा करना होगा। भारत को सीरीज 0-4 से अपने नाम करना होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया को भी इस सीरीज को अपने नाम करना होगा। ऑस्ट्रेलिया को WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत से सभी मैच जीतने होंगे। हालांकि इसके अलावा भी कई मायनों में यह सीरीज महत्वपूर्ण बताई जा रही है। दरअसल दोनों देशों के बीच लगभग 36 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ऐसे में भारत को इस सीरीज पर कब्जा करना होगा। मैदानों की बात करें तो यह मुकाबले अलग अलग मैदानों पर खेले जाएंगे। हालांकि भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि भारत ने इन मैदानों पर 2018 से कम एक मैच जरूर खेला है। ऐसे में इन मैदानों की स्थिति भारत अच्छे से समझ सकता है। जीत के आंकड़ों की बात करें तो पर्थ में दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट खेले गए हैं, जिसमें भारत ने एक मैच जीता है और एक मैच में हार का सामना किया है, जबकि ओवल के मैदान में भी यही हाल है। ब्रिस्बेन में भारत ने एक मुकाबला खेला है जिसमें जीत हासिल की है। मेलबर्न में 2 मैचों में भारत ने दोनों में जीत दर्ज की है। वहीं सिडनी में दोनों टीमों के बीच 2 मैच हुए हैं जिसमें दोनों ड्रॉ रहे हैं।